You know just what you do, you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy. Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back like nothing happened at all. एवरी वन वेलकम बैक टू channel. कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे बेहतर होंगे और खुशहाल होंगे और हम भी ठीक हैं तो चलें आइए स्टार्टिंग करते हैं ये है मेरा मॉर्निंग का टाइम तो यहाँ मेरा आपके स्कूल जाने के बाद फिर मैं अपने लग गई थी घर के कामों में तो बस स्टार्टिंग की थी सबसे पहले मैंने लॉन्ड्री लगा दी थी तो जो भी कपड़े वगैरह थे वॉश होने के लिए तो उनको मैंने वॉश होने के लिए डाल दिया था कि जैसे कि कपड़े जब तक वॉश होंगे जब तक कि घर की क्लीनिंग भी सारी हो जाएगी तो कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर रूम में क्योंकि नाइट में मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी जो कि बेड वगैरह थी वो मैंने वॉश करके डाल दी थी तो वो बेड शीट जो थी वो सारी सूख गई थी तो सबसे पहले मैंने उन्हें फ़ोल्ड करके रख दिया था और उसको फोल्ड करने के बाद फिर मैंने बेड मेकिंग वगैरह कर ली थी तो सुबह में ऐसा होता है कि जो वैसे कपड़े होते हैं डेली यूजेस वाले हमारे सबके तो वो मैं इवनिंग के टाइम ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ या दोपहर में फ़ोल्ड कर देती हूँ लेकिन ये सिर्फ दो बेडशीट थी ज़्यादा कपड़े नहीं थे तो मैंने इन्हें तुरंत ही फोल्ड करके रख दिया था और उसके बाद फिर मैं अपने लग गई थी दूसरे कामों में मॉर्निंग में ना हम सारे लोगों के काम लगभग एक से ही होते हैं लगभग क्या सारे काम एक से ही होते हैं कि ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना लंच प्रिपरेशन करना और अगर बच्चे हैं स्कूल जाते हैं तो उनकी भी तैयारी करना तो यहाँ मैंने जो कपड़े वगैरह थे वो रखने के बाद अपना बेड अच्छे से बना लिया था क्योंकि जब मीरा आप इस्कूल जाता है तो मैं मॉर्निंग में ये सब काम नहीं कर पाती हूँ सिर्फ अपना बिस्तर वगैरह ही उठा के रख के और मीराप के लंच की प्रिपरेशन करनी पड़ती है क्योंकि मुझे उसको लंच बॉक्स बना के देना पड़ता है और जहाँ तक है मैं प्रेफ़र करती हूँ कि उसके लिए मैं खुद से बनाया हुआ लंच ही रखूँ क्योंकि घर का खाना ना हेल्दी भी होता है और अच्छा भी रहता है तो यहाँ बेड मेकिंग वगैरह ये सारा कुछ हो गया था और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू भी लगा ली थी और ये देखें कुछ बाहर के रूम की हालत है तो मैंने जो सामान वगैरह था वो उसे उसी की जगह पर रख के और चादर वगैरह थी तो उनको भी मैंने कवर्ड में रख दिया और ये जो कपड़े थे कुछ दो तीन जो कि मैंने वॉश किए थे रात में ही तो ये सूख गए थे तो इनको भी मैं फोल्ड करके रख दूँगी नाइट में जो मेरे कपड़े होते हैं वॉश किए हुए वो मैं बाहर नहीं सुखाती हूँ नाइट में ही मैं अपने कपड़ों को घर में ही अंदर डाल देती हूँ जैसे कि गेट वगैरह पे और वैसे क्योंकि वो वॉशिंग मशीन के सूखे हुए होते हैं और बाहर डालने में मुझे थोड़ा डर लगता है क्योंकि मंकी वगैरह आते हैं तो कपड़ों को ख़राब कर जाते हैं तो इस वजह से मैं अपने जो कपड़े होते हैं ना वो पंखे की हवा में ही सुखा लेती हूँ तो यहाँ भी मेरा जो सामान वगैरह बिखरा हुआ था तो उसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया है और जो बेड की चादर थी तो उसको भी मैंने झाड़ के दोबारा से इसको बिछा दिया था और फिर मैंने यहाँ पे प्लो वगैरह लगा दिए हैं और उसके बाद फिर मैं यहाँ की भी अच्छे से झाड़ू निकाल लूँगी अंदर रूम की तो मैंने झाड़ू निकाल ली थी तो करटिन को डाल दिया है जैसे कि बाहर की जो भी डस्ट वग़ैरह है वो उड़ के अंदर ना जाए और इसी के साथ ही फिर मैं यहाँ की भी अच्छे से झाड़ू निकाल लूँगी और इसके साथ ही फिर मैंने अपनी किचन की भी क्लीनिंग वगैरह कर दी थी बर्तन वगैरह जो थे वो मैंने वॉश कर दिए थे तो मॉर्निंग में ना कुछ मेरा इसी तरह से रूटीन रहता है काम का तो दानी न भी सो रही थी तो मुझे थोड़ा आराम था तो मैं काफ़ी जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी और यहाँ पे जो है झाड़ू वगैरह करने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी की थी डस्टिंग तो जो भी हमारे डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं तो उनकी हमें डस्टिंग करना भी ज़रूरी होती है क्योंकि अगर हम उनकी डस्टिंग नहीं करेंगे तो उन पर धूल मिट्टी वग़ैरह इकट्ठी हो जाती है डस्ट काफ़ी जमा हो जाती है जो कि फिर अच्छी नहीं लगती है तो मेरे पास जो भी छोटे मोटे डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं तो मैं उनकी डस्टिंग वगैरह करती रहती हूँ और यहाँ ड्रेसिंग टेबल बच्चों की जो थी वो बिगड़ गई थी क्योंकि मीरा आपके सुबह स्कूल जाने में सब कुछ ऐसे ही जल्दी पल्दी रख दिया जाता है जैसे कि मैंने बताया है कि मॉर्निंग में मुझे ना जब तक मीरा स्कूल नहीं जाए तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि जिससे कि मैं जो भी चीज़ मैंने उठाई है उसे उसी की जगह पर रख दूँ या फिर अच्छे से उसको रख सकूँ तो मॉर्निंग में जो भी होता है वो मैं सब ऐसे ही छोड़ देती हूँ और जब अब स्कूल चला जाता है उसके बाद ही सब कुछ करती हूँ तो ये देखें हैप्पी मदर्स डे पे मीरा ने मुझे ये गिफ्ट किया था स्कूल में उसके बनवाया गया था तो खुद उसने बना के टीचर की हेल्प से मुझे गिफ्ट किया तो मैंने इसको फेंका नहीं है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और इसको मैं हमेशा ही अपने पास इसी तरह से सामने रखती हूँ तो ये बच्चों की ड्रेसिंग टेबल को भी मैंने एकदम क्लीन कर दिया क्योंकि अगर हम ये चीज़ें ना एक दो तो दिन में करते रहें तो हम पे ना एकदम इतना सारा बोझ भी नहीं होगा काम का और काम भी हमारा होता रहेगा साथ में घर भी एकदम डस्ट फ्री रहने वाला है तो ये देखें ये मेरी ड्रेसिंग टेबल सॉरी बच्चों की मेरी ड्रेसिंग टेबल एकदम अच्छे से रेडी हो चुकी है और उसके बाद फिर मैंने जो भी डस्टिंग का काम था वो कंप्लीट करने के बाद यहाँ लगाया था फिर पहुँचा तो आप चाहें तो डस्टिंग झाड़ू वग़ैरह से भी पहले लगा सकते हैं या फिर बाद में भी तो मैंने पहले झाड़ू लगा ली थी उसके बाद फिर मैंने डस्टिंग की थी तो फिर डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे लगाया है पोछा और पाछा लगाने के बाद ऑलमोस्ट मेरा सारा काम जो था घर का वो हो चुका था अंदर की झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने अपनी जो किचन की क्लीनिंग थी वो भी कर दी थी और साथ ही मैं अपने जो भी बर्तन वगैरह थे सुबह के तो उनको भी मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया था और इसी के साथ ही फिर पोछा वगैरह लगाने के बाद तो फिर यहाँ पे जो भी मेरी छोटी मोटी रग्स कारपेट्स वगैरह होती है तो वो मैं यहाँ उसके बाद लगा देती हूँ क्योंकि सारी क्लीनिंग भी हो जाती है झाड़ू पोंछा वगैरह जो भी होता है तो यहाँ ये बाहर मैंने लगा दी थी और अंदर जो है वो मैं रूम में लगाती हूँ बड़ी कारपेट तो यहाँ मैंने बड़ी कारपेट को भी अच्छे से लगा दिया था तो कुछ इस तरह से रहता है मेरा मॉर्निंग का रूटीन और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई मेरी वीडियो देख के मोटिवेट होता है या मेरी वीडियो का कोई भी एक पार्ट आप लोगों को अच्छा लगता है तो मुझे बेहद खुशी होती है दो बच्चों के साथ कुछ इस तरह से मेरा मॉर्निंग का रूटीन रहता है मेरा आपको स्कूल भेजने के बाद मैं सारा काम फिर इस तरह से कर लेती हूँ और पता भी नहीं चलता हाँ जब दानी जगरी होती है तो मुझे उसको लेके करना पड़ता है और सोरी होती है तो काफ़ी मुझे सहूलियत होती है तो ये था रूटीन बताइएगा और अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें बेल आइकन ऑन करें जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा बाय बाय